उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पांडे और पार्टी की जोनल प्रवक्ता सुरहिता करीम ने कहा कि 31 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा जनपद के चंपा देवी पार्क में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली पूर्वांचल के लिए ऐतिहासिक होगी और इनमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील किया कि रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिज्ञा को सुने और लाभ उठाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जोनल प्रवक्ता डॉक्टर सुरहिता करीम और पार्टी के सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद पांडे ने कहा, कल 31 अक्टूबर को इंदिरा जी की पुण्यतिथि भी है और उसी दिन यहाँ पे एक वृहद रैली हमारी राष्ट्रीय नेता और यूपी की जो प्रभारी हैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी, उनका आगमन हो रहा है। एक बहुत बड़ी रैली को वह संबोधित करेंगी चंपा देवी पार्क में और सुबेरे 11 बजे से 3 बजे तक रैली चलेगी और अन्य और भी नेता लोग साथ में आ रहे हैं। पूर्वांचल के कितने जिलों के लोग शामिल होने के लिए? पूर्वांचल के यहाँ गोरखपुर के इर्द गिर्द के जितने भी जिले हैं जहाँ से लोग आ सकते हैं, बस्ती, महाराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थ नगर, यहाँ सबसे आ रहे हैं लोग। और कौन कौन लोग शामिल होंगे इस रैली में? इस रैली में उनके अलावा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी और चेयरमैन माइनॉरिटी सेल इमरान प्रतापगढ़ी जी और सलमान खुर्शीद साहब पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री आरपीएन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं और पीएल पुनिया साहब और प्रमोद तिवारी जी, ये सब लोग मुख्यतः इस रैली में शामिल होंगे। नाम है प्रतिज्ञा रैली, तो क्या प्रतिज्ञा जो की है प्रियंका जी, उसका भी जिक्र होगा? जी, इसीलिए इसको प्रतिज्ञा रैली का नाम दिया है क्योंकि प्रियंका जी की प्रतिज्ञा है कि जब तक उत्तर प्रदेश में एक नई चेंज, बदलाव नहीं आएगा, महिलाओं को आगे नहीं लाया जाएगा, तब तक हम लोग इसको बदलाव को सही मायने में ज़मीनी स्तर पे नहीं उतार सकते हैं। और जो उन्होंने दिया है, अपनी प्रतिज्ञाएं की हैं, रोज़गार की प्रतिज्ञा की है कि 20 लाख रोज़गार मिलेगा, 40% महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिलेगा, ये सब जो जितनी प्रतिज्ञाएँ हैं आपको मालूम ही हैं, तो वो सारी प्रतिज्ञाओं को फिर से बताने के लिए, दोहराने के लिए, संकल्पित करने के लिए और गोरखपुर में पहली बार उनका आगमन हो रहा है, हम लोग बहुत उत्साहित हैं और उनको हम लोग सबको न्योता दे रहे हैं, आप लोग सब लोग आइए। आपके चैनल के माध्यम से सभी को हम कहना चाहेंगे, सब लोग आइए, सुनिए कि क्या कहता है हमारा नेता और क्या उनकी सोच है इस देश को लेके, इस प्रदेश को लेके। तो क्या लगता है आपको कि इस बार परिवर्तन होगा प्रदेश में, सत्ता परिवर्तन? सत्ता परिवर्तन तो निश्चित है और इस देश के युवाओं में एक सोच में भी परिवर्तन आएगा। जो मेरा जो समझना है कि जो सोच है, जो जिसमें कि एक नकारात्मकता आ गई है पिछले 7 सालों में, जो इन्होंने जो सरकारें बनाई हैं केंद्र में भी और प्रदेश में भी, नकारात्मक का जो वातावरण है वो किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और भ्रष्टाचार और अपराध, ये दो चीज़ उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई है। भले ही कुछ भी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी कहते रहें लेकिन जनता बिल्कुल स्पष्ट देख रही है, महंगाई के ऊपर एक कदम नहीं उठ रहा है, गृहणियाँ परेशान हैं, स्टूडेंट परेशान हैं, कोई एक तबका हमको बता दीजिए या दिखा दीजिए जो कि परेशान ना हो। तो इसलिए बदलाव तो निश्चित है और एकदम सुनिश्चित है। डॉक्टर प्रमोद पांडे, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल, ठीक कह रहे हैं। हाँ, क्या तैयारी प्रवक्ता आगे किस तरह रणनीति तैयार है? देखिए, तैयारियां हमारी मुकम्मल लगभग हो चुकी हैं और यह लगातार पिछले 2-3 महीने से हम सब लोग ब्लॉक लेवल पर गांवों में, शहरों में और पगडंडियों तक चलते हुए, पैदल चलते हुए, लोगों के बीच बैठते हुए कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, जो गुज़श्ता कुछ सालों में हमको कहीं ना कहीं से कमज़ोर हुए थे। और कमज़ोर हुए थे, साफ जाहिर है कि हम 7 सीटों पर सिमट गए तो कमज़ोर हुए थे, इसमें कहीं गुरेज नहीं है स्वीकार करने के लिए। लेकिन जिस ढंग से प्रियंका गांधी जी ने अपने आंदोलन और अपने नेतृत्व का आगाज़ किया है, तो अंजाम तो अब खुदा ही जानेगा और अंजाम हमारा विधानसभा होगा, अंजाम हमारा पार्लियामेंट होगा। और जिस तरीके से बनारस की रैली हुई, नरेंद्र मोदी जी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचकर, उनके छाती पर चढ़कर प्रियंका गांधी ने जिस ढंग से लाखों लाख लोगों के बीच में बोलने का काम किया है, और आज वो उससे भी बढ़कर दहाड़
योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर जो उन कहाँ से चुनकर जाते हैं उसमें हम करने जा रहे हैं और दिखलाने जा रहे हैं कि महंगाई की मार से जनता त्रस्त है, यूपी में बेरोजगारी की मार से जनता त्रस्त है, हमारी आवाम त्रस्त है, किसानों को बेमौत मारा जा रहा है। इससे बड़ी घटना क्या होगी कि इस देश का गृह मंत्री ललकारता है और उसका बेटा किसानों को रौंद रहा है। इसके खिलाफ जंग ऐलान है और गोरखपुर धरती से भी आवाज़ उठेगी। जिस ढंग से ललितपुर में किसान ने आत्महत्या कर ली, किसान खड़ी लाइन में खड़ा था खाद की किल्लत की वजह से और मर गया, इन सब किसानों के और मजलूमों के आंसू पोंछने के लिए प्रियंका जी आ रही हैं। तो अब ये लग रहा है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जाने की बारी और कांग्रेस की आने की बारी है। माना जाए कि कल से मतलब बिगुल फूका जाएगा 2022 का, बिगुल बज चुका है। बनारस की धरती पर वेद की ऋचाओं के साथ शंख बजा था, शंखनाद हुआ था, वह शंखनाद विजय का उद्घोष था। विजय की कामना के साथ और शांति की कामना के साथ वेद की ऋचाएं पढ़ी गई थीं और शंखनाद हुआ था। उस शंखनाद के समय प्रियंका जी स्वयं हाथ जोड़े खड़ी और लोगों का पूरा समूह जो सामने खड़ा था वह खड़ा था और हर हर महादेव का वहां उद्घोष हुआ। वहां कुरान की आयतें भी पढ़ी गई, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़े गए और बाइबिल की लाइनें भी उद्धृत की गई थी और वह सभी धर्मों को लेकर हम सब उनसे भी अगर हट के बात कहें, हम अपने अन्नदाताओं की लड़ाई लड़ने के लिए, उन गरीब महिलाओं की, मजलूमों की, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने के लिए आज गोरखपुर धरती से पुनः ऐलान करने जा रहे हैं पूर्वांचल में। किन किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा 2022? देखिए, सरकार तो हम बनाने जा रहे हैं, यह सच बात है, लेकिन जिस तरीके से आज किसान बेहाल है, खाद उसको मिल नहीं रही है, उसकी उपज का मूल्य मिल नहीं रहा है, कि जिस तरीके से हमारा किसान 10 महीने 11 महीने बीत गए हैं गाजीपुर टिकरी बॉर्डर पर और सिंधु बॉर्डर पर दम तोड़ रहे हैं तमाम किसान, लेकिन जमे हुए हैं, यह सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। जिस तरीके से नई कृषि बिल जो लाने की बात कर रहे हैं किसानों के लिए, जो 3 कानून ला रहे हैं, इन सारे कानूनों को मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस की सत्ता इस देश में आई, ये तीनों काले कानून अगले दिन का सूरज अस्त होने से पहले वापस होगा। ये तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, महंगाई दर बढ़ रही है, थोक महंगाई दर बढ़ रही है, खुदरा महंगाई दर बढ़ रही है। 110 रुपए का जब पेट्रोल भरवाने जाते हैं तब माथे से पसीना चूता है। आज से कुछ महीने पहले 70 रुपए लीटर तेल होते थे, 40 रुपए का इजाफा कुछ महीनों में हुआ है। 40 रुपए अगर आप रोज खर्च करते हैं, थोड़ा सा आंकड़ा गणित लगा लें कि एक महीने में 1200 रुपए होते हैं और 1200 रुपए का 12 से गुणा कर दे तो 14000 रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। एक परिवार में 3 महीने की किसी अच्छे स्कूल की बच्चों की फीस नरेंद्र मोदी हमसे छीन रहे हैं, किसी अच्छे स्कूल की फीस छीन रहे हैं। ये मुद्दा है, इन मुद्दों के साथ हम जा रहे हैं सड़कों पर उतरने।